नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जी हां, बता दें, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी को एक और झटका नोटिस के बाद जा पहुंची है दिल्ली पुलिस राहुल के घर। जी हां, बता दें, श्रीनगर में दिए गए बयान पर फंस चुके हैं राहुल गांधी। जी हां, बता दें, उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ लोकतंत्र पर सवाल उठाया था और मुझे अब राष्ट्र विरोधी घोषित करने में लगी है ये भाजपा ही। वहीं बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बता दें, यूट्यूबर मनीष कश्यप के हाथ में हड़कड़ी और मायूसी चेहरे के साथ ढक दिया गया है चेहरा। वहीं पुलिस उनके साथ कर रही है दुर्व्यवहार, जाने क्या कुछ है मामला और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमको सावरकर ना समझा जाए, दिल्ली पुलिस की एंट्री के बाद कांग्रेस द्वारा यह बड़ा ट्वीट किया गया। जी हां, बता दें, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर मौलाना ने दिया है करार जवाब, कहा भारत न ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और न ही मुस्लिम राष्ट्र। जी हां, बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब पर किया है पलटवार। वहीं बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है, शूटर में फर्जी एनकाउंटर हुआ है, फिर से डीएम ने दी है जांच के आदेश। वहीं बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खलिस्तान नेता अमृतपाल सिंह फरार। जी हां, बता दें, पुलिस ने वारिस दे पंजाब के 78 गुर्गो को कर लिया है गिरफ्तार। और क्या क्या बातें, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। वहीं बता दें, गहलोत सरकार ने सीधा साधा है केंद्र सरकार पर शिकंजा। जी हां, बता दें, उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी का समर्थन किया, कहा लोकतंत्र सचमुच खतरे में जा रहा है। वहीं बता दें, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नेहा राठौर को मिलने एक नोटिस पर कुर्ते फाड़ने वाले सन्नाटे में बैठे मनीष कश्यप। जी हां, बता दें, एक बार नया शिकंजा कसा जा रहा है मनीष कश्यप पर नेहा राठौर द्वारा भी। वहीं बता दें, एक नया खुलासा हुआ है, बता दें, अमृतपाल केस में आनंदपुर खलासा फोर्स के नाम से तैनात कर रहा था अपना खलस्तानी फोर्स, सब कुछ जाने विस्तार से। मैं बता दें, यूपी में 72 घंटे बाद लाइन संचालित की गई है। वहीं सरकार ने मांगी है सारी बिजली कर्मचारियों की मांग, वही जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में क्या कुछ है इस बार अखिलेश का प्लान, कैसे वो 80 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए सपा क्या कुछ कर रही है बंगाल की धरती पर, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहले बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें, दिल्ली पुलिस की नोटिस और घर पहुंचने के बीच कर्नाटक में कल पहला चुनावी दौरा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, बता दें, दिल्ली पुलिस द्वारा एक झटका दिया गया है राहुल गांधी को। पहले तो नोटिस दिया गया था 16 मार्च को और फिर जा पहुंची पुलिस घर। जी हां, बताएं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सोमवार 20 मार्च को चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के आवास पर पहुंची थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में महिलाओं के यौन शोषण को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और राहुल गांधी से पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी करने पहुंच गई पुलिस। वहीं राहुल गांधी के आवास पर पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार हमें डरा नहीं पाएगी। जी हां, बता दें, उन्होंने अडानी मामले को फिर से उभारते हुए कहा कि केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा ये सब कुछ कर हमें नहीं डरा सकती, हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। जी हां, बता दें, इन्हीं सब बीच राहुल गांधी अब जा रहे हैं कर्नाटक के दौरे पर, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी सत्ता जमानी चाहेगी कांग्रेस। वहीं बता दें, इसी के साथ उन्होंने कहा, मैं सिर्फ लोकतंत्र पर सवाल उठाया था, मुझे राष्ट्र विरोधी घोषित कर रही है ये भाजपा ही। वहीं बता दें, लंदन में दिए गए बयान पर उन्होंने सांसदीय पैनल पर सब कुछ सफाई में खुलासा कर दिया है और भाजपा की लटिया लग चुकी है। बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, बता दें, मनीष कश्यप के हाथ में हथकड़ी, गमछे से ढका है चेहरा, कानून की कसौटी पर बिहार पुलिस का तरीका कितना सही, सब कुछ आप ही जाने। जी हां, बता दें, बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने शनिवार 18 मार्च को पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस का आरोप है कि मनीष ने सोशल मीडिया के माध्यम से तमिलनाडु में बिहार के कुछ निवासियों के साथ हिंसक घटनाओं की भ्रमक खबर फैलाई है। फोटो और वीडियोज के माध्यम से इन्होंने एक उपद्रव का उजागर किया। गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस की कस्टडी में मनीष कश्यप की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में मनीष कश्यप के हाथों में हथकड़ी है और चेहरे पर एक गंभीर मायूसी है।
वहीं बता दें उससे पहले रास्ते में जब ले जा रहे थे उनके चेहरे पर गमछा भी रखा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वहीं बता दें पत्रकार सुधीर मिश्रा ने 19 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल से मनीष कश्यप की तस्वीर को शेयर किया। तस्वीर में मनीष को लाखों लोग देखे हैं। उन्होंने कहा यह एक सिर्फ और सिर्फ पत्रकार है और जो कि सही बात कर रहा था, या कोई टेररिस्ट नहीं है जो इस तरह से बिहार पुलिस इनके साथ बर्ताव कर रही है। जी हाँ बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल का पलटवार। जी हाँ बता दें उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा है कि हम सावरकर ना समझा जाए। एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें कैप्शन में लिखा गया है सावरकर ना समझा जाए, ना राहुल गांधी हैं हम। बता दें ट्विटर उस वक्त आया है जब एक तरफ पुलिस राहुल के घर में दाखिल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के दौरे के भी लिए जाने वाले हैं। जवाब में चार पन्नों में या भारी जवाब हेडलाइनों में दिया गया है कि हमको सावरकर ना समझा जाए। बता दें कांग्रेस ने इस ट्वीट के बाद बीजेपी खेमे से आक्रोशित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा वीर सावरकर को महान आत्मा बताया। उन्होंने लिखा कृपा महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान ना किया जाए, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। जी हाँ बता दें एक तरफ से फिर से बीजेपी द्वारा निशाना साधा जा रहा है कि खुद को सावरकर न बताकर वह सावरकर का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। सूत्रों ने पुलिस एनकाउंटर की जाँच होनी है। जी हाँ बता दें जो उस्मान के नाम से एनकाउंटर हुआ उसकी जांच के लिए अब डीएम ने निर्देश दिया है। बड़ी खबर बता दें प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक तरफ जहां पुलिस एसटीएफ और पुलिस की टीम अतीक अहमद के गैंग के शूटरों और उसकी पत्नी की सरगर्मी से तलाश कर रही, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के ज़िले के डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने शूटरों के पुलिस एनकाउंटर की एक जांच का आदेश दिया। डीएम ने जारी आदेश में कहा कि पुलिस एनकाउंटर के संबंध में कोई व्यक्ति जानकारी दे सकता है, साथ ही कोई गोपनीय साक्ष्य भी उपलब्ध करा सकता है। मुठभेड़ के संबंध में जो भी साक्ष्य होंगे वह डीएम प्रशासन के ऑफिस में जमा कराया जाएगा। प्रयाग डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा है कि अभी तक दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। इन शूटरों के एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच कराई जानी है। शूटरों के एनकाउंटर को लेकर कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है, अपना बयान दर्ज करा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जी हाँ बता दें अतीक का दहशत जिस तरह प्रयागराज में है उसको दूर करने के लिए डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है कि किसी को भी कुछ भी पता हो इन शूटरों के बारे में वो पूरी अपनी स्वतंत्रता के साथ आकर बयान दर्ज करा सकता है और उसे जो कुछ पता है वो सब बता सकता है। उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी, उसकी सुरक्षा भी। जी हाँ बता दें यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है अतीक के जेल जाने के बाद प्रयागराज, क्योंकि जिस तरह से अतीक का दहशत बना हुआ था कोई भी उसके खेमे में बोलने वाला नहीं था। जी हाँ बता दें उसके विरोध में कोई आवाज़ तक नहीं उठाता था, लेकिन अब धीरे धीरे दहशत कम हो रही है। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ बता दें लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी के साथी ने दी है सलमान खान को धमकी, बढ़ रही हैं मुश्किलें। जी हाँ बता दें लगातार फोर्स की जा रही है तैनात। बता दें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाल ही एक इंटरव्यू में सलमान खान को धमकी दी थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि 4-5 सालों में सलमान खान को भी मारना चाहता है बिश्नोई। बिश्नोई अभी जेल में बंद है। इस बीच एक एक्टर को वह गैंगस्टर गोल्डी रबाडा के साथी की ओर से धमकी ईमेल द्वारा मिली है। जी हाँ बता दें सलमान खान की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक उनके पीछे हाथों हाथ लग रहे हैं। कथित तौर पर शनिवार को यह ईमेल सलमान को मिला जिसमें कहा गया है कि गोल्डी रबाडा उनसे बात करना चाहता है। मामले में सलमान की टीम की ओर से शनिवार की देर रात बद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। सलमान को फिर से मिली है धमकी। रविवार को एक अधिकारी ने कहा कि घटना को देखते हुए पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सलमान के मैनेजर ने गोल्डी रबाड़ा, लॉरेंस बिश्नोई और वहीं मेल भेजने वाले एक अन्य शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। शनिवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब रोहित गर्ग नाम के शख्स ने उन्हें ईमेल कर या बड़ी धमकी दी थी। उसने बताया कि ये सारा काम गोल्डी रबाड़ा द्वारा हमसे कराया जा रहा है। जी हाँ बता दें इस केस में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। वहीं बता दें लॉरेंस के खिलाफ, गोल्डी रबाडा और अन्य एक साथी ईमेल करने वाला। जी हाँ बता दें तीनों के खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी का नया प्लान, सन 2024 की रणनीति बना रही है बंगाल की धरती से। जी हाँ बता दें बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने बनाया सन 2024 का एजेंडा। यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार सपा।
जी हाँ, बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मत देने वाली तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की बंगाल की धरती पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में जीतने का प्लान बनाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में समाजवादी पार्टी की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक रविवार को समाप्त हुई। कार्यकारिणी समिति की बैठक में आयोजित संवाददाताओं के सम्मेलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उनकी पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेठी में इस बार हम खुद ही चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, बता दें ये बता दें कांग्रेस के लिए भी एक दुखदायी खबर रहेगी, क्योंकि इस बार उनके लिए जीत का दौर और भी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि पहले भी स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस को बड़ी हार मिली थी। लेकिन आपको बता दें अब सपा के सुप्रीमो खुद वहां पर दाखिल होने वाले हैं चुनाव के लिए। 17 मार्च को कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने अपनी बंगाल यात्रा की शुरुआत ममता बनर्जी से मुलाकात के साथ की। उन्होंने ममता बनर्जी से मिलकर भाजपा और कांग्रेस से समान दूरियां बनाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम दोनों पार्टियों का सफाया करना चाहते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा दीदी जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सफाया अगर अपनी सरकार बनाई है, उसी तरह हमारा साथ देकर यूपी में भी सपा सरकार लाना चाहिए। अखिलेश ने रविवार को कहा यूपी भारत का सबसे बड़ा विधानसभा राज्य है, बीजेपी को दो बार मौका दिया जा चुका है, बीजेपी को जवाब देना होगा। उन्होंने यूपी में जनता के लिए क्या किया है, उन्होंने अपने वादे पर काम किया है कि नहीं। जी हाँ, बता दें उन्होंने साफ साफ मुद्दा बनाकर इस बार यह बड़ा ऐलान कर रही है सपा। अब देखना होगा क्या सचमुच 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या एक नया बदलाव आएगा। दरअसल अपनी राय क्या है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वहीं बताइएगा क्या लॉरेंस सचमुच सलमान खान को मारेगा, क्या यूपी में की गई हड़ताल सही थी या नहीं, क्या खालिस्तान अमृतपाल की गिरफ्तारी ज़रूरी है, क्या वह सचमुच एक देश में दो देश को तब्दील कर सकता था। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।